हेलो, वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लीगल इंसीन। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली समझेंगे कि सोनम वांगचुक, जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, एजुकेशनल रिफॉर्मर हैं, पेशे से इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, आखिर वो क्यों लद्दाख को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और आखिर वो क्यों चाहते हैं कि लद्दाख को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में डाला जाए। इससे लद्दाख को क्या फ़ायदा होने वाला है। आखिर वो क्यों चाहते हैं कि लद्दाख को स्टेटहुड प्रदान किया जाए। ये सभी चीज़ें हम आज के स्पेशल वीडियो में समझने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन दीज सिचुएशंस। सबसे पहले बेसिकली समझो कि ये ट्राइबल एरियाज क्या हैं, इसी पर ये सारी स्टोरी घूम रही है। देखो बेसिकली क्या है कि इंडियन स्टेट्स में कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जो ट्राइबल एरियाज कहलाते हैं, और इन्हीं एरियाज के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो शेड्यूल्स बनाई गई, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल। स्पेसिफिकली बात करें तो 4 स्टेट्स, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, इसमें बहुत सारे ट्राइबल्स रहते हैं। मैक्सिमम 90% के आसपास इन सभी स्टेट्स में ट्राइबल्स रहते हैं, और ये ट्राइबल्स उस स्टेट में जिन एरियाज में रहते हैं हम उसको बोलते हैं ट्राइबल एरियाज। और इन ट्राइबल एरियाज के लिए बेसिकली किस तरीके से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगा, कैसे इन ट्राइबल एरियाज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे, ये बताता है 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल के अकॉर्डिंगली ये जो एरियाज हैं इन सभी 4 स्टेट्स में, इन सभी एरियाज को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बांटा जाएगा, जिसको हम ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे। और अगर सपोज करो कि इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में, मतलब कि इन एरियाज में अगर एक से ज़्यादा ट्राइब्स रहते हैं, तो इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को भी अलग अलग ऑटोनोमस रीजन्स में बांटा जाएगा। मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग रीजन्स भी होंगे उन ट्राइब्स के अकॉर्डिंगली, जितने भी ट्राइब्स होंगे उसके हिसाब से अलग अलग रीजन्स बनाए जाएंगे। और इस तरह से जो वो ट्राइबल एरियाज हैं जिसको हमने ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट या हमने ऑटोनोमस रीजन में बांटा हुआ है, इनका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या रीजनल काउंसिल करेगी। जो भी रूल एंड रेगुलेशंस बनेंगे वो यही बॉडी बनाएगी। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी इंटरप्शन नहीं होगा। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इनके रिगार्डिंग कोई भी रूल एंड रेगुलेशंस नहीं बना सकती हैं। अगर कोई रूल एंड रेगुलेशन उन्होंने बनाया है तो जब तक इन लोकल बॉडीज का, जो ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स या जो रीजनल काउंसिल्स हैं, अगर ये अप्रूवल नहीं देती हैं, तब तक इन लॉज का या इन रूल एंड रेगुलेशंस का जो स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, तब तक वो एप्लीकेबल वहाँ पर नहीं होगा। अब बेसिकली ये समझते हैं कि जो ये लोकल बॉडीज हैं वो किस तरह के रूल एंड रेगुलेशंस बनाएंगी। इसके लिए 6th शेड्यूल के पैराग्राफ 3 में 10 कैटेगरीज हैं। इन 10 कैटेगरीज के लिए ये जो लोकल बॉडीज हैं वो रूल एंड रेगुलेशंस बना सकती हैं। उदाहरण के लिए, जो उस ट्राइबल एरियाज की जो ज़मीन है उसका यूज़ कैसे होगा, उसका एलोकेशन कैसे होगा, किस ज़मीन को हम एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, किसको हम रेजिडेंशियल के लिए यूज़ करेंगे, किसको हम कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, ये सब रूल्स जो है वहाँ की वो लोकल बॉडी बनाएगी। इसी तरीके से मैरिज हुआ, डाइवोर्स हुआ, जो सोशल कस्टम्स हैं, सक्सेशन को लेकर या प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस को लेकर, इन सभी चीज़ों पर वहाँ की जो लोकल बॉडीज़ हैं वो अपना रूल एंड रेगुलेशंस बनाएंगी और उन्हीं बॉडीज़ का इन पर कंट्रोल होगा। इस तरह से जो वो ट्राइबल एरियाज हैं या जो वो ट्राइबल्स हैं वो अपने उस एरिया को संरक्षित रख सकते हैं, और जो बाहर के लोग हैं उनका उन पर हस्तक्षेप बहुत कम होगा। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर सोनम वांगचुक, जो ये जानते हैं कि लद्दाख में ऑलमोस्ट 90% ट्राइबल्स रहते हैं, उनके लिए भी सेम यही चीज़ एप्लीकेबल हो। और ये तभी पॉसिबल है जब लद्दाख को भी 6th शेड्यूल में डाला जाएगा। अभी लद्दाख के पास कोई स्टेटहुड नहीं है, मतलब कि उसका पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। जितने भी रूल एंड रेगुलेशंस बनते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो इस तरह से जो वहाँ के ट्राइबल्स हैं उनको परेशानी होती है। तो इसीलिए लद्दाख के ट्राइबल्स चाहते हैं कि वो भी आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय की तरह खुद अपनी जो है लोकल बॉडीज़ के माध्यम से रूल एंड रेगुलेशंस बनाएं और वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो खुद संभालें। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए सोनम वांगचुक चाहते हैं कि लद्दाख को भी 6th शेड्यूल में डाला जाए, और इसीलिए वो आमरण अनशन कर रहे हैं। सो आई होप आपको पूरा बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।